सो व्यूअर्स, हमने आपको आज जितने भी एपिसोड्स दिखाई हैं वो फिनिश्ड हाउसेस की दिखाई हैं, बट ये घर एक ऐसा घर है जहाँ पर हम आपको फिनिश्ड हाउसेस दिखा रहे हैं। वी आर शोइंग यू बिहाइंड द सीन कि कितनी मेहनत और कितनी चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं वो लुक निकालने के लिए, जिसको आप फिनिश प्रोडक्ट में देखे कहते हैं कि आविश कि मेरा घर ऐसा हो। तो अगर आप देखें तो इसमें एसेसरीज, रग्स, प्लांटर्स, लैम्प्स, एवरीथिंग इज स्कैटर्ड राइट नाउ, पेंटिंग्स, कलर कॉम्बिनेशंस, बेड शीट्स, कुशंस, तो ये भी सारा हम इसको सेट करेंगे और इंशाल्लाह आपको इसका आउटकम दिखाते हैं। बट इज द हेल ऑफ अ पेन फॉर अ डिजाइनर टू फिनिश द हाउस जिसको वो आखिर से पहुंचा होता है। सो लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। सो व्यूअर्स, दिस इज द aftermath ऑफ what वी हैव डन today। अगर आप देखें तो पहले जो शॉट्स आपने देखे हैं वो बहुत दिख रहे हुए से शॉट्स से और चीज़ें स्कैटर थी बहुत ज़्यादा। दिस इज़ द आउटकम जो कि जब डिज़ाइनर घर पर आता है और वो चीज़ें एक्सेसराइज करता है। सो नाउ यू कैन हैव अ होल आइडिया ऑफ द स्पेस कि स्पेस कैसी बनी है। दिस इज़ द लाउंज एरिया, इसमें भी कुछ चीज़ें होने वाली हैं। सो द aftermath ऑफ द होल स्पेस कम समथिंग लाइक दिस, ये चीज़ें कहाँ पर लगी हैं, कैसे बेंचेज आने हैं, लैम्प्स किस कलर के हैं, ऑरेंज और बेज थीम इसकी ब्राउन्स की है। दिस इज़ अनदर रूम, अगर आप देखें तो इसका भी एक एम्बियंस जो क्रिएट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और अगर कैमरा मुझे फॉलो करे तो मैं कैमरा को ये वॉल दिखाना चाहूँगा। इस पर एक मेटल आर्टिफैक्ट है ये वाला, अब इस पर पिक्चर लाइट्स वगैरह और चीज़ें इस पर जब ऐड होंगी तो इट गोना कम आउट रियली नाइस। सो बड़ी डिटेल में काम करना पड़ता है डिज़ाइनर्स आर्किटेक्ट्स को, इट्स अ वेरी पेनफुल जॉब। और अगर आप देखें तो रात के इसके 11:15 हो रहे हैं और मुझे भी यहाँ पर मज़ीद 2 घंटे लगने हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। थैंक यू वेरी मच।